शबीना ने इंतहाई मोहब्बत से कहा, जी मोहतरम, बात ये है कि क्या आप जब बेघर थे, रुस्वा थे, तो क्या आपने कभी अपने वालिद को ये बात नहीं कही कि वो आपकी ज़िंदगी को बनाए? मेहदी ने कहा, कई बार फ़ोन करता, कई बार मिन्नतें करता, मैं तो रेलवे स्टेशन बस स्टेशनों पर से गुज़रने वालों लोगों की तरफ मिन्नत और समाजत से देखता, क्या मैंने आप लोगों का गुनाह किया एक उस्ताद बन के, क्या मैंने गुनाह किया एक अच्छा इंसान बन के जो मुझे घर से महरूम कर दिए? अगर जमहूरियत इसी का नाम है तो मैं इसी जमहूरियत को ये दुआ करूँगा अल्लाह से कि कोई तलवार लेकर पैदा हो जो खिलाफत नाजिल कर ले, अगर इसी का नाम जमहूरियत है तो, जहाँ पर एक बड़ा भाई जानबूझ के जुल्म करता है, घर छूटता चला जाता है। शबीना ने बिल्कुल नज़दीक आते कहा, क्या आप वालिद के वालिद से एक बार संजीदगी से इस बात पर कुछ कहे थे? मेहदी ने कहा, बहुत बार कहा था लेकिन वो कभी समझते ही नहीं थे, वो बस मुझे पुलिस की धमकी दिया करते। फिर पुलिस स्टेशन भी गया मैं एक दिन, वहाँ मालूम पड़ा कि बस स्कूल का पिटारा खोल दिया गया और मुझे जलील करके निकाल दिया गया। 38 साल के नौजवान को स्कूल वाला बताकर निकाल दिया गया, बताएं आप। तो जिंदगी रेलवे स्टेशनों बस स्टेशनों पे बेजार हो गई थी, वक्त पर नहाता नहीं था, खाता नहीं था, पीता नहीं था, सोता नहीं था, कपड़े नहीं बदलता था, हमेशा गंदा सा महसूस करता अपने आप को। शबीना ने बिल्कुल नज़दीक आते हुए कहा, अल्लाह आपके सारे गम हमें दे ही दे और खुशियों के दरवाजे अब खोल ही दे। हरामी थे वो कुत्ते, मेहदी ने कहा। शबीना, एक बात तो मैंने देखा हूं इस दुनिया में, जिसका घर नहीं होता ना वो एक तरीके से बहुत बड़े अजाब में जिंदगी गुजारता है, जिसे वो खुद महसूस कर सकता है। चार्जिंग करने के लिए मोहताज, नहाने के लिए मोहताज, घर के खाने के लिए मोहताज, वक्त पर कभी भी सोना, कभी भी उठने के लिए मोहताज। शबीना ने कहा, आप मोहताज नहीं थे, ये सारी कारस्तानी उस हरामी खुर्रम फारूकी की थी जिसने स्कूल के अंदाज को ख़त्म नहीं किया और तुम्हारे ऊपर स्कूली ज़िंदगी डाल दिया, तुम्हारे ऊपर ज़बरदस्ती स्कूली ज़िंदगी डाला। तुम्हारी 5 लाख की किताब को उसने स्कूल की 500 रुपये की किताब बना दिया। अल्लाह उस हरामी को बर्बाद करे। मेहदी ने कहा, अल्लाह ने उसको बर्बाद कर दिया, उसे मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसे अजीब मौत दिया। शबीना बिल्कुल मेहदी के नज़दीक आई और दोनों एक दूसरे में मुलविस हो गए। शबीना ने कहा, एक बात कहें आपसे? मेहदी ने कहा, जी कहें, चलिए ज़रा टहलते हैं। टहलते मेहदी ने शबीना ने गार्डन में मेहदी के नज़दीक आते हुए कहा, असल बात ये होती है कि आप हमेशा सच्चे हैं, अच्छे हैं, लेकिन आप अगर अपने ही घर पे जाने के लिए नाज और नखरे करने लगेंगे तो फिर आपके घर वाले भी तो आपको अवॉइड करेंगे ना। मेहदी ने कहा, यह बात तो सही है लेकिन बात बात पे फिल्मी अंदाज़ों में बात करना तो कौन जाएगा घर? जब मालूम है इसे घर से निकालना है तो भाइयों का भाभियों का लड़ना, तो फिर कैसे नहीं जाएंगे हम? अरे सुकून और अमन से रहो तो रहेंगे, इन लोगों ने मेरे लिए हर बात को जंग बना दिए थे, यहाँ तक के सफ़र भी जंग कर देते थे, कहीं पे रहना भी जंग कर देते थे। बेवजह कोई भी टेंशन बनता था और मुझे टेंशन देता था। अल्लाह उस टेंशन कुत्ते को ना ज़मीन नसीब करे ना आसमान, उसे अबू लहब और जहन्नुम के आला आला तबके में रखे। और शबीना ने कहा, आपको जन्नत के आला तबके में रखे, जिसने अपनी ज़िंदगी के कीमती साल 3 साल एक जन्नत के एहसास की किताब लिखा लेकिन उसके सगे भाइयों ने उसे मोहरा बनाया था। मेहदी ने कहा, खैर। दोनों एक दूसरे में मुलविस हो गए। शबीना ने कहा, आज आपको मैं मोहब्बत के आदाब बताती हूँ, और बिल्कुल मेहदी के नज़दीक आई और कुछ बेहतरीन मोहब्बताना शायरी और नसर खुद कहा। उस नसर का उन्वान ये था, उस नसर का उन्वान ये था,
इंसान और इंसान की अजमत। शबीना ने टहलते हुए उसी कमरे में मेहदी से कहने लगी। मेहदी ने कहा, माशाअल्लाह, सुनते हैं आज आपकी गुफ्तगू। शबीना ने कहा, जब से दुनिया बनी और जब तक दुनिया रहेंगी, इस दुनिया में लाखों करोड़ों अरबों अनगिनत लाखों करोड़ों अरबों और बास कहते हैं 18,000 इंसानी तख्लीकात है, इंसानी क्रिएचर है, मगर उस सारे क्रिएचर में सिर्फ और सिर्फ इंसान ही वैल्यूबल है। ट्रेन भी उसके लिए, कुर्सी भी उसके लिए, एसी भी उसके लिए, नॉन एसी भी उसके लिए, छोटी बस भी उसके लिए, बोर्ड भी उसके लिए, बड़ी शिप भी उसके लिए, बिग कैसी बिग बोर्ड भी उसके लिए, बिग कैसीन बोज बोर्ड भी उसके लिए, कैसीनो प्राइड बोज बस भी उसके लिए, हर चीज़ उसके लिए है और वो दुनिया का मरकज है। मेहदी ने कहा, वाह क्या लिखती हैं आप, आपके हाथ दिखाइए। शब ने कहा, काटिए मत, किचन में काम में आते हैं आपको। मेहदी ने कहा, कोई बात नहीं, आप बैठे तो सही, बैठे हैं। और बिल्कुल नज़दीक से कहा, अब मैं सुनाता हूँ इसी टॉपिक पे, इंसान और इंसानी। इस दुनिया का खुलासा और कुरान का मुखातिब इंसान है। कुरान अपने पढ़ने वाले को इतना मुखातिब करता है कि एक दिन वो उसे मुसलमान बना कर रख देता है, ईमान पर लाता है, लेकिन वो हमेशा इंसान की इज्जत करता है। शबीना ने बिल्कुल नज़दीक आते को, आपने 5 जुमले मुझसे भी बेहतर कहे, और मैंने 5 जुमले जो कही वो कम वज़नी है, और बिल्कुल नज़दीक आकर बूसा ले लिया। दोनों एक दूसरे में मुलविस हुए और मेहदी ने असर के वक्त गुसल किया और कहा, मैं ऑफ़िस जाना चाहता हूँ। शबीना ने कहा, इस वक्त? मेहदी ने कहा, जी ये खिलाफत का ऑफ़िस है, जब भी मसाइल हो तब जाया जाता है। मेहदी इत्मीनान से कार लेकर ऑफ़िस पहुँचा और बेकायदा बैठकर उठकर गुफ्तगू करने लगा। महबूब अरब ने कहा, जी बहुत से मसाइल है जो वजह